ट्रेन का टिकट कैसे बुक करेंगे और बुक करने का क्या है सही तरीका, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो इसके लिए IRCTC रेल कनेक्ट ऐप या फिर वेबसाइट ओपन करेंगे। फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऊपर लेफ्ट साइड कॉर्नर पर ट्रेन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसी जगह बुक टिकट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ऊपर फ्रॉम STN दिख रहा है, यानी स्टेशन नेम, इस पर क्लिक करके वो स्टेशन आप सर्च कर लेंगे जहाँ से आपको टिकट बुक करना हो। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ पर वैसे बहुत सारे स्टेशन का नाम दिया हुआ है, इनमें से कहीं का बुक करना हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप अपने स्टेशन का नाम लिख लेंगे। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म याद हो तो वो लिख लेंगे। फिर टू पर क्लिक करके उस स्टेशन का नाम लिखेंगे जहाँ तक का टिकट आपको बुक करना हो। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर भी बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इनमें से किसी स्टेशन तक का टिकट बुक करना हो तो आप सेलेक्ट करेंगे और ना आप लिख लेंगे। फिर उसके बाद आप डेट सेलेक्ट करेंगे, यानी किस डेट में आपको ट्रैवल करना है, किस डेट का आपको टिकट बुक करना है, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका डेट आसपास का नहीं है तो फिर आप कैलेंडर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपना डेट कोई चूज़ कर लेंगे जिस डेट में आपको ट्रैवल करना हो। फिर ओके पर क्लिक करेंगे। फिर कोटा पे क्लिक करके आप अपना कोटा सेलेक्ट करेंगे, जैसे जनरल, लेडीज, तत्काल, लोअर बर्थ फॉर सीनियर सिटीजन, प्रीमियम तत्काल, पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो मुझे लोअर बर्थ फॉर सीनियर सिटीजन के लिए बुक करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन कोटा उनके लिए सेलेक्ट करेंगे, जैसे अगर कोई मर्द 60 साल या उससे ज़्यादा के हों या फिर कोई औरत 45 साल या उससे ज़्यादा की हो, तो उनके लिए लोअर बर्थ सीनियर सिटीज़न सेलेक्ट किया जाएगा। या फिर अगर कोई प्रेग्नेंट महिला हो तो वो टिकट काउंटर पर जाकर ये कोटा सेलेक्ट करके टिकट ले सकती हैं। नीचे कुछ और ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फ्लेक्सिबल विद डेट पर अगर क्लिक करेंगे तो जो डेट आपने सेलेक्ट किया है उसके आगे का भी दिखाएगा। ट्रेन विद अवेलेबल बर्थ पर क्लिक करने पर वही ट्रेन दिखाएगा जिसमें कोई सीट अवेलेबल हो। रेलवे पास कंसेशन, अगर आपके पास रेलवे का पास कंसेशन हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर चौथा ऑप्शन पर्सन विद डिसेबिलिटी कंसेशन का है, यानी विकलांग कोटे का है। ऊपर राइट साइड कॉर्नर पर लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन सर्च ट्रेन पर क्लिक करके भी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपने 4 अंकों का लॉगिन पिन सेट किया था वो इंटर करेंगे। अगर आपको लॉगिन पिन और पासवर्ड याद नहीं आ रहा हो तो फॉरगेट पिन पर क्लिक करके नया पासवर्ड और पिन सेट कर लेंगे। कैसे करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर कैप्चा इंटर करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो OTP के जरिए से भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन हो चुका है तो आप सर्च ट्रेन पर क्लिक करेंगे और अलग अलग कोच में देख लेते हैं। पहले स्लीपर में टिकट अवेलेबल है या नहीं, तो अवेलेबल नहीं है। थर्ड AC में हमें अवेलेबल दिख रहा है, तो मुझे ये बुक करना है। तो नीचे पैसेंजर डिटेल से इस पर क्लिक करेंगे। पैसेंजर डिटेल सेलेक्ट करने के लिए ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जिनके लिए ट्रेन टिकट बुक कर रहे हैं उनका नाम, एज यानी उम्र, फिर जेंडर और उसके बाद बर्थ प्रेफरेंस यानी जो भी बर्थ चाहिए वो सेलेक्ट करेंगे। ऐड पैसेंजर पर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पर क्लिक करके और भी पैसेंजर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई बच्चा हो और आप चाहते हैं कि उसका सीट भी हो तो आप ऐड इन्फेंट विद बर्थ पर क्लिक करेंगे। फिर नाम, एज, मेल फीमेल और बर्थ प्रेफरेंस वैसे ही सेलेक्ट करेंगे। फिर ऐड पैसेंजर पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे का टिकट बुक तो हो लेकिन सीट ना मिले, तो ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ पर क्लिक करेंगे। फिर वैसे ही नाम, एज, मेल फीमेल वो सेलेक्ट करके ऐड पैसेंजर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पैसेंजर मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन पे क्लिक करेंगे, तो अगर आपके कोटे का टिकट ना मिले तो हो सकता है कि अपर कोटे का टिकट आपको दे दिया जाए, वो भी उतने ही पैसे में जितना पैसा आपके कोटे का लगता है। नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो अगर कोई कंफर्म सीट हो तो ही बुक होगा। इंटर प्रेफर्ड कोच नंबर, इसमें आप अपनी मर्जी का कोच नंबर डाल सकते हैं, अगर उसमें कोई सीट खाली हो तो आपको दे दिया जाएगा। अब पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे, अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर वॉलेट से पैसा पेमेंट करना चाहते हैं तो ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप UPI जैसे फ़ोन पे, जीपे, पेटीएम से पेमेंट करना चाहते हैं तो नीचे वाला सेलेक्ट करेंगे। लास्ट में आता है ट्रैवल इंश्योरेंस, अगर आप लेना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। फिर यू जर्नी डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वो सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा जो अब तक आपने फिलअप किया है, इंटर किया है, तो एक मरतबा सबको देख लेंगे। सबसे पहले डेट चेक करेंगे, फिर ट्रेन चेक करेंगे, फिर कहाँ से कहाँ तक का टिकट आपको बुक करना है वो चेक करेंगे। कभी जल्दी जल्दी में ये हो जाता है कि जहाँ तक आपको जाना है वो पहले हो जाता है और जहाँ से जाना है वो बाद में हो जाता है, तो इसको अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे। जब आपको सब कुछ सही लगे तो फिर कैप्चा फिलअप करेंगे। कैप्चा फिलअप करने के बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे।
तो आपको एक बैनर दिखेगा, यस पे क्लिक कर देंगे। जो भी पेमेंट मोड आपने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर दिख जाएगा। मैंने UPI सेलेक्ट किया था तो UPI दिख गया है। तो UPI पे क्लिक करने के बाद अपना पेटीएम नंबर मैं इंटर करूँगा। आप भी अपना नंबर इंटर करने के बाद गेट OTP पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपके नंबर पर OTP आएगा, OTP से वेरीफाई करेंगे। फिर जिस भी अकाउंट से आपको पेमेंट करना हो उस पर आप प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद आपके पेटीएम पर एक नोटिफिकेशन आएगा, अपना पेटीएम ऐप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसे बीच से ही काट देंगे, फिर अपने UPI ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको स्क्रीन पर ही पेमेंट का रिक्वेस्ट दिख जाएगा। आप अपने अकाउंट से पेमेंट करेंगे। फिर पेमेंट करने के बाद जैसे पेमेंट सक्सेसफुल होता है आप बिना टाइम वेस्ट किए ऐप में वापस ओपन करेंगे। करते ही 2-3 सेकंड का टाइम लेगा, फिर आपके सामने टिकट डिटेल्स आ जाएगा। टिकट डिटेल्स यहाँ पर आ गया है। अब इस टिकट को डाउनलोड करने के लिए ऊपर आएंगे, ऊपर PDF का ऑप्शन मिल जाएगा, फिर अलाउ करेंगे या आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। यहाँ पर मेल का भी ऑप्शन मिलता है और फोटोज़ का भी, तो आपको जैसे आसानी हो वैसे आप इस टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब टिकट डाउनलोड करना भूल गए हों तो आप वापस आएंगे और माई ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे। फिर माई बुकिंग पर क्लिक करने के बाद आपको आपका टिकट दिख जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आसानी से डाउनलोड और मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की टेक्निकल वीडियो देखने के लिए चैनल पर विजिट कीजिए। चैनल पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है।